हेलो दोस्तों, आपको यहाँ जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेंडिक्स ड्राइव। ये प्राइमरी मोशन देने के लिए, कोई भी व्हीकल को प्राइमरी मोशन देने के लिए ये बेंडिक्स ड्राइव जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता है, इसका यूज़ हम करते हैं। ये मोस्टली फोर व्हीलर्स में यूज़ किया जाता है। जो गाड़ियों का जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा ट्रबल होता है, जिसमें स्टार्टिंग में वो गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए इस तरह का बेंडिक्स ड्राइव यूज़ करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कम्यूटेटर दिया हुआ है और आर्मेचर है। ये यहाँ से निकलता हुआ एक शाफ्ट है जिसको हम आर्मेचर शाफ्ट बोलते हैं। आर्मेचर शाफ्ट के जो है कॉलर एक अटैच किया हुआ है। ये जो शाफ्ट है ये फर्दर थ्रेडेड स्लीव को अटैच किया हुआ है। थ्रेडेड स्लीव जो है वो पिनियन गियर जो है जिस पर गियर्स जो है मैश होते हैं, जो इसके साथ फ्लाईव्हील के साथ, और यहाँ पर एक फ्लाईव्हील अटैच है। तो ये पिनियन गियर है और इसी के पीछे यहाँ पर बैलेंसिंग वेट है, स्प्रिंग्स जो है ये दिया हुए हैं, और ये ड्राइव हेड है, और यहाँ पर ये फ्लाईव्हील है। तो फ्लाईव्हील क्या होता है, तो फ्लाईव्हील का जो कंसेप्ट है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल गया होगा। तो फ्लाईव्हील जो है जो कि एक व्हील होता है इंजन में, जो कि इंजन से कनेक्टेड होता है, ये स्टोर करता है एनर्जी, स्टोर करने का काम होता है इसका, फ्लाईव्हील का। तो इसको थ्रेड होते हैं, तो ये थ्रेडेड जो फ्लाईव्हील है ये पिनियन के साथ, पिनियन गियर के साथ मैश होती है और ये काम करता है। तो चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये ड्राइव हेड जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होने के बाद ये जो ड्राइव हेड है ये इस तरह से ये थ्रेडेड स्लीव को भी रोटेट करता है, और ये इस तरह से इधर मूव होता है। ये मूव होता है यहाँ तक फ्लाईव्हील तक, जब तक कि इसके जो गियर्स हैं, किसके, पिनियन गियर्स के, और पिनियन गियर और फ्लाईव्हील के जो गियर्स हैं वो जब तक मैच नहीं होते ये यहाँ तक आता है। ये यहाँ पर आने के बाद ये फ्लाईव्हील और पिनियन गियर मेश होता है एक दूसरे के साथ, और फिर बाद में गियर जो है ये रोटेट होना शुरू हो जाता है। पिनियन गियर रोटेट होता है और साथ ही साथ वो फ्लाईव्हील को भी रोटेट करता है। जब गाड़ी हम स्टार्टर को स्विच जब देते हैं तो ये पिनियन गियर ये फ्लाईव्हील को रोटेट करता है। तो ये जब रोटेट हो जाता है तो इसकी स्पीड 150 और 200 आरपीएम तक, जब तक इसकी फ्लाईव्हील की स्पीड नहीं पहुंचती, जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता, और जब इतनी स्पीड इसकी अच्छी हो जाती है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंजन स्टार्ट होता हो जाता है तो हम स्विच जो है वो छोड़ देते हैं। जैसे ही हम स्विच छोड़ देते हैं तो ये जो ड्राइव हेड है इसमें की जो मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर वो बंद होने की वजह से ये यहाँ पर जो था ये पहले कंडीशन पोजिशन इसकी, तो ये इस तरह से पीछे चल जाता है ये स्प्रिंग की वजह से। तो ये इस तरह से इसका काम करता है, जो कि जो ट्रबलफुल जिसका स्टार्ट होता है जो गाड़ियों का, उसमें ये बेंडिक्स ड्राइव यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक ड्राइव है, जो कि इनिशियल मोटिव फोर्स जनरेट करता है कोई भी व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए। तो ये सिंपल इसका डायग्राम है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मेरे भूलें दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को शेयर करें।